నేత్రిలా పరమేశ్వరం విష్ణు కాళ్య శోధరుల శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస భక్తి స్వరూపు సిద్ధార్థి గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ కమలు అనంతకోటి శాస్త్రాంగ గర్వత్ ప్రణామం కడతాం. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నేత్రిలా పరమేశ్వరం విష్ణు పాద అష్టోదర శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీలో నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ కమలిని శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కడతాం. ఉపస్థిత త్రిశక్తి పాత్ర వైష్ణవి సభ్యులు ప్రణామ కడతాం. హరే కృష్ణ. హమ్ లోగ్ యే ఉపదశా మృతో కో హమ్ లోగ్ శ్రవణ కరతే హై. కహతి హై జో కార్తీక మాస హై, కహతి ఇస్కి అధిష్టాత్రీ దేవతా శ్రీ రాధారాణి, ఇస్లియే ఇస్కా నామ హై ఊర్జా వ్రత హై. లేకిన్ ఉస్మే హమ్ శ్రవణ కర రహే ఉపదశా మృతో కో. इसलिए यदि ये उपदेशामृत ग्रंथ है, यदि इसके माने चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ पुरी में थे उसी समय में संपूर्ण रूप में राधा रानी के भाव में विभावित हो गई है. कहते पुरी में क्यों महाप्रभु आए, उनका जो महाप्रभु का जो अभिष्ट था, राधा रानी का प्रेम की क्या महिमा है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, और श्री राधा रानी ये माधुर्य को आस्वादन करके किस रूप में उनका आस्वादन होता है. यदि यह चीज को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री कंधिया में रहते हुए अवलाधी का भाव गंभीर, राधा रानी का जो भाव गंभीर भाव को आस्वादन कर रहे हैं. करते करते एक समय महाप्रभु समुद्र किनारे में एक ऋषि के टीला पर बैठे हुए और ये उपदेश मृत महाप्रभु ने ये उपदेश को दिया, और इसी उपदेश को श्री रूप गोस्वामी अपना हृदय में धारण करते हुए तभी उपदेश मृत ग्रंथ रचना की. कहते श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये जो उपदेश मृत है क्या चीज, कहते ये बाबा जी के लिए ना ये वज्र जैसे प्रभुपाद कहते, क्योंकि जो बाबा जी लोग इनको पास में सिद्ध आओ ना, कोई साधन भजन की विधि भक्ति की कोई बात नहीं, सीधा तुम अमृत मंजरी रसगुल्ला मंजरी लड्डू मंजरी बात सीधा मंजरी बात दे देते हैं, कोई वैद्य भक्ति की कोई बात नहीं बताते. हाँ, अभी जो शौच क्रिया करके जो हाथ जो धोते हैं ना, हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते शौच क्रिया के बाद में हाथ को कैसे साफ करना चाहिए, जो ये चीज को नहीं जानते हैं और उनको उनको मंजरी भाव दे देते हैं. इसलिए क्या होता है बाबा जी के पास में, जैसे गौड़ीय मठ में प्रचार को देख करके, इसको उनको प्रचार को देख करके उनका बड़ा हृदय बड़ा ईर्ष्या होता है, इतने भक्त हैं. इसलिए भक्तों को उल्टा पुल्टा बोल बात करके गौड़ीय मठ में जो छिबड़ा लाते हैं, छिबड़ा मतलब जैसे डेंटल अपना चिबा कर उसका तो क्या बोलते हैं, जो जो फेंक देते हैं ये गौड़ीय वैष्णव लोग जो है गौड़ीय मठ वाले केवल वैद्य व्यक्ति की बात करते हैं, ये तो कोई रस की बात नहीं करते हैं. हाँ, इसलिए वो लोग हमारे संप्रदाय का लोगों को बोले मेरे पास में आ जाओ, हम उनका सिद्ध स्वरूप दे देंगे. हाँ, सिद्ध स्वरूप दे देंगे. अभी क्या करते हैं वो पूरा जाते हैं, जो एकादश भाव है तुम अमुक मंजरी नाम दे देते हैं. बास वो तो सोचता है बास की छीनो हार की हो, मतलब पहले तो क्या था और फिर क्या हो गया, अभी सीधा मंदिर गिर गया. लेकिन वो चाहते हैं गौड़ीय मठ इस पर से जाते हैं, ध्यान देकर सुनो, वो चाहते हैं लेकिन गौड़ीय मठ में तो इस पर में चार नियम पालन करते हैं, दुष्टम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये चार वस्तु ही अधर्म है. इसलिए ये नस्ली वस्तु ग्रहण करना, अवैध रूप में अपना पत्नी को छोड़ करके पराया स्त्रियों के साथ जो संबंध है ये भी इसमें पाप है, ये कलिका स्थान है. और जिसमें गुटखा खाना, बीड़ी फूंकना, शराब खाना, तब ये तो सारे गौड़ीय मठ में सारे बना है. लेकिन जब उनके बाद में वो जब देखने लग जाते हैं बाबा जीओं को अवैध रूप में माता जी को साथ में रहते हुए देखते हैं, फिर वो चाह भी पीते हैं, वो भी गुटखा भी लेते हैं. लेकिन जब ये चीज को देखने लग जाते हैं ना, फिर उनका मन में उनको तो बोल दिया ये मंजरी ये मंजरी ये मंजरी, लेकिन कुछ तो अनुभूति होती ही नहीं,
कुछ दिन बाद भी फिर सोचते हैं हम तो दौड़िए पर ईश्वर ने देखा था ये कोई गुटखा नहीं खाते थे, चाय नहीं पीते थे, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करते थे, लेकिन ये बाबा जो अंदर की सारी चीज दिमाग में फिर उसका मन टामाटर होने लग जाता है। फिर दूसरा बाबा जी क्या करता है, भले आगे उसका मंत्र ठीक है तो मेरे पास आ जाएगा, मैं तुम्हें का अलग मंत्र देता हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। वो क्या करता है, उसको छोड़ देने पर दूसरे बाबा जी को पास में जाता है। जाने पर पहले जो बाबा जी ने उसका जो बता दे तो ये मंजरी तुम्हारी ये सेवा एकादश का, जब दूसरे बाबा जी को पास में जाता है पर उसे दूसरे नाम देता है, बोले तुम ये मंजरी से तुम ये मंजरी, फिर उसका मन कंफ्यूज हो जाता है। अगर हमारे मित्र सिंह जो हमारे भाव अगर ये मंजर था लेकिन जब इसको पास में आया ये कीप नाम कैसे दे दिया, उसको मन भ्रषण का उत्पन्न होने लग जाता है। फिर चिरकाल के लिए भजन भजन छोड़ छाड़ करेगी राधा को तो सामने बैठते रहते हैं, शायद राधा जी के दर्शन हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी है दर्शन हो जाएगा। मैंने देखा हमारे गुरु जी कुछ शिष्य गए इसको से कुछ शिष्य लोग इनको छोड़ करके वहां पर गए, जितने गए एक को नई जगह भक्ति में रहते हुए उस दिन बाद में सब कुछ कटनी पट्टी तिल्ला सब तिल्ला सब त्याग दे करके संपूर्ण घर में वापस चले गए, एक को भी नहीं देखा वहां टिके हुए। क्यों, ये सब के सब अनधिकार चर्चा है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं ये जो उपदेशा वृंदा है ये बाबा जीओं के लिए ये वज्र है, ये वज्र जैसे है, क्योंकि इसने ये उपदेश जो अमृत है, जैसे क्लास हुआ 2-3 फिर 10 फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं उसने एकदम सीरियल रूप में साधनों के लिए धीरे 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 आस्ते 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 कैसे एक दिन तुम वो अंतिम मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, उसमें श्री रूप गोस्वामी ये सारी बातों को उसने बताए। इसलिए आप लोगों ने पहले श्रवण किया कैसे हमें पहले बाहर चलेगा पानी का बात क्रोध का वेग जीवा का वेग उधर उपस्थ वेग कैसे दमन करनी चाहिए, भक्ति की प्रतिकूल वस्तुओं को कैसे छोड़नी चाहिए, भक्ति करने के लिए 6 गुण की जरूरत है और किसको साथ में कैसे व्यवहार करनी चाहिए, उसमें धीरे 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 इस बात को बताया है। इसलिए आप देखो मन शिक्षा में भी देखो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कॉलेज ये हमारे प्रयोजन आचार्य है सुंदरी कविता वहाँ पर भी एकदम ठीक वैसे ही है, धीरे 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 बढ़ते 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 अंतिम में साधक का अंतिम चरण प्राप्त किया उसमें वृंदा करते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये अद्भुत ग्रंथ है, इसमें जो श्लोक है बोले कृष्ण तीजस गीतम मनसा ग्रिय दीक्षा चेत प्रणत भीष भजन तमीशम सुश्रुषया भजन विज्ञापन मन निंदादि सुन्न हृदय सित संगलग्न। इसमें बताए बोले कृष्ण ती जस्य गीतम मनसा ग्रिय, अगर किसको मन में एक बार कृष्ण नाम श्रवण करते हो क्या करनी चाहिए, तो मन मन को उसको आदर देनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री टीका में कहते हैं क्या एक बार कृष्ण नाम सुनने पर उसका आदर करने लग जाओ मन को तेरा आदर करने ऐसे नहीं। अगर वो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हुए तो दीक्षा का मतलब क्या है, बोले दीपक ज्ञानम जत विद्या पुरजात पाप संस्कार दीक्षा के साथ करता है। इसलिए दीक्षा मतलब होता है दीपक ज्ञानम जत विद्या, जिनको अंदर में दीपक ज्ञान, दीपक ज्ञान मतलब कम से कम जीवन स्वरूप है कृष्ण रंजित दास है, जिसको जिसने दीक्षा अंतर को प्राप्त करते हुए जिनका अंदर में एक संबंध और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और जिन्होंने ये हरि नाम को है जो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुख अग्रणत्वात नाम नामी
जिनको ये बुद्धि हो गया जो भगवान का जो नाम ये चिंता में है ये रसस्व रूप है और कृष्ण से ये अभिन्न कृष्ण नाम है। इसलिए जिसने कृष्ण नाम को कृष्ण के साथ अभिन्न समझ करके जब ये कृष्ण नाम को जो ग्रहण करते हैं बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक उनको क्या करो पहले मन को बना उसको आदर करो बस दीक्षा चेत और प्रण के बीच तक हाँ इसलिए बोले प्रणाम उनको बोलते तो मन मन में आदर करो बोले हम प्रणाम जिसको करेंगे प्रणाम मतलब होता है संपूर्ण रूप में अहंकार छोड़ करके जिसकी चरण में शरणागत होता है बोले किसको चरण में ये बिल्कुल बोले कभी अधिकारी ये आता है इसमें मध्यम अधिकारी आती है। इसमें जो मध्यम अधिकारी में जिन्होंने अपना समग्र ज्ञान को साथ में है अपना समस्त ज्ञान को साथ में जिनको कम से कम जो स्वरूप सिद्धि है अगर ये विष्णु और इसका ग्रंथ आया है क्या करो जिसको कहते तद्विधि प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशकृत ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। इसलिए उनको प्रणाम करते हुए अहंकार पूर्वक उनके चरण में शरणागत होते हुए क्या करो तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न करो हाँ सेवा करो। क्योंकि जो जो उत्तम जो अधिकारी इसमें महाप्रभु ने महाप्रभु ने भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम उसका भी महाप्रभु ने कुछ परिचय दिया है बोले जिसको नाम मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना कभी कनिष्ठ अधिकारी जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं कभी मध्यम अधिकारी और जिसको दर्शन करने का मात्र से ही जीवा में कृष्ण नाम आ जाए कभी ये कौन है कभी ये उत्तम अधिकारी है। उसके बाद में कहते थे तो अनन्य मन निंदा दुष्य हृदय भस्मित संगलम का हम संगत इसको करें और हम सेवा किसको करें। यहाँ पर बड़े अच्छी बात रुको बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताते हैं बल अनन्य मन जो कि कृष्ण को छोड़ करके जो अन्य किसी देवा देवियों को उपासना नहीं करता है हैं जिसको भगवान कपिल देव भी कहते हैं मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति। वहां पर जो भक्तों का 26 लक्षण बताया उसमें 25 लक्षण तो बताया कि तो बाहर का लक्षण ही लेकिन मैं जो एक स्वरूप लक्षण बताया बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जो एकांत रूप में मेरे को उपासना करे बोले एकांत रूप में किसको उपासना करे बोले जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को उपासना करे। यहाँ पर कहते हैं जो तो हम लोग महाप्रभु धारा में जो लोग श्री संप्रदाय में बोलो तो लक्ष्मी नारायण को उपासना करते हैं फिर नहीं यहाँ पर जो महाप्रभु को धारा में जो लोग आए हैं आराध्य भगवान ब्रजेश्वर हमारा जो आराध्य है और कोई कृष्ण नहीं जो मार्गो को अपनाया है वो मार्ग हमारा है। जैसे आज हम लोग जो गए थे कहाँ पर पैठा में गए थे जब कृष्ण इनको साथ में खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए जब कृष्ण चतुर्भुज धारण किया लेकिन गोपियों ने उनको देख के आदर नहीं किया प्रणाम कर किया बोला हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कहीं देखे हो हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर लेकिन जब राधा रानी आती है अपने आप दो हाथ प्रकट कर जाता है। इसलिए हम कौन सा कृष्ण को उपासना करने वाले ब्रजेंद्र नंदन लेकिन उसी में भी किसको विशेष करके आराधना करने वाले कहते श्री राधा रानी को। इसलिए गुरु जी ने कथा सुनाते बोले राधा को नहीं कोई संत निवास करते थे लेकिन राधा रानी को भजन जब करते थे बड़ी उनको मस्ती आती थी एकदम राधा रानी की चिंता में डूब जाते थे। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई थोड़ी सी हम उस द्वारका जाकर दर्शन करके आए फिर सोचे जब हम राधा कुंड में राधा जी की चरण का आश्रय ग्रहण की फिर हमें द्वारका में भी क्या जरूरत है लेकिन कभी कभी मन में इच्छा होती थी। एक दिन किसी कोई ब्रजवासी आए बोले बाबा बाबा हम तो द्वारका जाना चाहते हैं लेकिन कोई सही नहीं मिल रहा है बोले हाँ 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 पर बाबा चलोगे तो बोले हाँ मेरे मन में तो इच्छा हुई थी लेकिन अभी वो इच्छा बोले चलो ना खर्चा पानी कोई चिंता नहीं
सारे खर्चा का यहाँ व्यवस्था कर देंगे, तो भाई एक संगी होनी चाहिए। भाई वो गए द्वारका भ्रमण किया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो छाप है ना वो शनि चक्र की गदा पद्म की छाप लगा कर क्या। फिर जब आप राधा गोविंद में बैठने लगने लगे और उसी राधा रानी की पहले देखते उनकी स्फूर्ति प्राप्ति होता था और राधा जी भजन में एकदम डूब जाते थे, उनका मन और किसी तरह से राधा जी भजन में लगी नहीं रहा है। उसने छटपट छटपट करने लगी, बोले हे राधे आज ऐसे क्यों हो रहा है, इतने आकाश वाली बोले देखो इसी जीवन में और मेरी कोई कृपा तुम्हें प्राप्त होने वाले नहीं, मेरी चरण में इस चीज की कमी थी, तू यहाँ छोड़ कर गया, फिर गया तो गया फिर इच्छा लगा कर आ गया संकल्प चक्र का, ये तो बैकुंठ की चीज है, इसी जीवन में कृपा नहीं होगी। उन्होंने जब देखा राजा की ही कृपा नहीं होगी, फिर ये शरीर धारण करके क्या लाभ है। इसलिए रण पाटी का स्थान है, वहाँ पर गए और अपना समाज में बैठ करके अपना दुर्गा जी को प्रकट करके उसका अंदर उन्होंने प्राण दिया। मतलब यहाँ तक भी हमें कभी यहाँ तक भी हमें कहते दूसरे देवादेव की बात छोड़ दो और नारायण आदि की भी बात छोड़ दो, ब्रज में भी यहाँ पर जो सुपत क्या है हैं, जो तीन तरह के सखी सुपत के विश्व के तटस्थ, यहाँ पर जो सुपत के जो राधा की कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं, इसलिए बोले उसमें कहते हैं अनारत राधा पदा भोज रहे अनासित प्रेता अनंत तट भी असत भास तद भाव गंभीर चिता तुम श्याम सिंदूर सस्या बताओ। जब तक ऐसे श्री राधा जी की बात में कोई डूबा हुआ संत का जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करते हैं तो कृष्ण भक्ति रस में कभी हमको दाग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कहते अनंत निंदा से शून्य हृदय लिप्त संकल्प लगता कैसे सत्य होनी चाहिए, पर जो कभी इसकी निंदा नहीं करते बोले निंदा कब करेंगे, निंदा कब करना है जब ये शरीर दिखता है। लेकिन जो महाभागवत जो है ना वो स्थावर जगह पर देखे माते के कारण बुद्धि सर्वत्र स्फुरय का लिप्त देव बुद्धि, वो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। जब सभी के हृदय में वो भगवत दर्शन करता है फिर तो निंदा की कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सबका हृदय में भगवान बैठे थे, तो फिर वो निंदा कैसे कर सकता है व्यक्ति, फिर हम उसकी निंदा नहीं कर सकते। ऐसे जो वैष्णव है भैया उनकी संगत और स्वजातीय आश्रय से मिलता रूप गोस्वामी कहते हैं स्वजातीय होनी चाहिए। देखो ध्यान दे ऐसे नहीं जिसको जिसको बात में हम सुन इधर उधर सुन ली ये बड़े साधु है हम भागने लग गए बोले साहब। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्वजातीय आश्रय से होनी चाहिए, हम जिस रस की उपास कहे हैं जिस महापुरुष लाइफ में हम आए हैं उसी लाइफ के भक्त होनी चाहिए। अगर कोई दूसरे की हैं जैसे आप कोई कथा सुनने के लिए इधर उधर चले जाते हैं राम भक्त नहीं और दूसरा भक्त नहीं है तो इसलिए विश्वनाथ जो हम कहते हैं कि कान जो थोड़ा सब तो मत दिया करो। इसलिए महाप्रभु का लाइन में जो आए हैं अब विशेष करके हमारे महाराज जी श्री धरती विकास नारायण गोस्वामी महाराज जी जो रत्न हमें दिया है जो धन हमें जो ब्रज भक्ति की जो उन्हें लोभ दिया है ना, आप सारा दुनिया में कहीं भी जाओ ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी सारा दुनिया लुप्त नहीं दूंगा लेकिन महाराज जो चीज हमें देना चाह रहे थे जो ब्रज रस की जो लोभ है ये चीज ना इस निजले कर माधवान बोल रहे थे। किसने बोला उनका साधारण कोई बच्ची थी बोले बताया बताओ तो क्या चल रहे विदेश में हमारे लक्ष्य क्या है वो क्या बोला जानते हो चाइनीज भक्त है तो कोई चाइनीज भक्त बोले तुम्हें क्या चाहिए जिसको कुछ भी पता नहीं वो कहते हैं हम तो राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं। अब जो साधारण कुछ नहीं तो राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं हले गुरुदेव हले कृष्ण। इसलिए इनका जन्म में गुरुदेव बोलते थे देखो जब तक तुम्हारी लक्ष्य ठीक नहीं होगा ना हमारे साधन कभी सही नहीं हो सकता है। अगर लक्ष्य अगर हम जीवन में अपना लक्ष्य को अगर सही कर लिया इस जीवन में एक ना एक दिन हम वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो कि इसकी महाप्रभु धारा में और हमारे गुरु जी की धारा में हम आए हैं हम लोग बड़े सौभाग्यवान। इसलिए प्रभु गोस्वामी कथन कर लो हमें ये साधन करनी चाहिए फिर तक ये ब्रज भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। बच्चा बल बल भर कर बात करते हैं।